सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, इवनिंग बाद मॉर्निंग, हाँ फिर गुड आफ्टरनून, जिस समय हमारी आगे मुलाकात हो रही हो उस समय का नमस्कार। क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दो वीडियो हो चुके हैं। क्या हमने इससे पहले बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता क्या है, इसके बाद एंगल मेजरमेंट की बात की थी कि डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हल्का सा क्या कहते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा हमने कहा था कि देखो भैया ये पूरा 360 एंगल है, अगर आपने इस प्रकार सर्किल खींचा इसको 360 डिग्री किए तो एक पूरा 180 कहलाएगा, ठीक है। और दूसरा हमने बताया था कि ये जो ये एंगल पूरा 180 डिग्री होता है इसको पाई रेडियन कहते हैं, यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.1 के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज हम आज डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपको प्रॉपरली डिस्कस करूं। ये रिलेशन याद रखिएगा डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदलने का तरीका। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट। देखो एक्सरसाइज है 3.1 11th मैथ्स, एनसीईआरटी, रेडी गंदी है लेकिन समझ आ जाएगा उतना अच्छी। देखिए पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कहते हैं 25 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन। देखिए आप कहेंगे देखिए मतलब वी नो दैट, वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, ठीक है। रेडियन का आंसर आप पाई के टर्म में छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिग्री का आंसर आपको डिग्री मिनट सेकंड पर निकालना पड़ेगा। और 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लगता है यूनिटरी मेथड, हिंदी में कहते हैं एक एक नियम, 180 डिग्री क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। तो आपको 25 डिग्री को करना है क्या होगा पाई अपॉन 180 इंटू 25, कैलकुलेशन आपको ना आता है इसको 5 से काट दीजिए, प्रथम 25 5 दिया 15 5 से 30 तो 5 पाई बाई 36 रेडियन। पाई के टर्म में आंसर है अपने आप रेडियन में है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा रेडियन, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि हाउ टू कन्वर्ट 25 डिग्री इंटू रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि माइनस, सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है फर्स्ट का कि माइनस 47 डिग्री 30। तो पहली बात तो ये डिग्री में होना चाहिए, तो पहले तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करिए। अच्छा माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस हमने बताया था कि एक्चुअली में जब आप क्लॉक वाइज एंगल बनाते हैं घड़ी की दिशा में चलने की दिशा में वो नेगेटिव एंगल क्यों होता है, इसको फिजिक्स में आपको जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया जाएगा वहां बताया जाएगा, ठीक है। तो यहां हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, पहले इसको डिग्री में चेंज करो, माइनस से कोई मतलब नहीं। देखिए हम इसको 47 डिग्री प्लस 30 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो ये पूरी चीज डिग्री में कन्वर्ट हो, भाई आप जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो जितने मिनट होगा उनको 60 से डिवाइड कर दोगे तो अपने आप डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 32 60, इसको एलसीएम लीजिए, दो एलसीएम हो गया 214, 2 8 9 प्लस 1 बराबर ये लिखा है माइनस 95 बाई 2 डिग्री, यानी ये जो 47 डिग्री 30 मिनट था इसको माइनस 95 बाई 2 डिग्री लिखा जा सकता है। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका एज 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो माइनस 95 बाई 2 डिग्री, तो क्या करेंगे इसको डिग्री, इसको आप देखो माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस बाहर लग जाएगा नेगेटिव आंसर आएगा,
और इसको आप 95 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कैंसिल करने की कोशिश करिए, इससे कट जाएगा, दिस इज द सेकेंड पार्ट, इससे कट जाएगा 19 गुना 18 पांच से काट दो, 5 + 5 = 4, 5 × 9 = 45 5 × 5 = 15, 5 × 4 = 20 तो माइनस का 19π/72 रेट। अब अगर कैंसिल हो जाए तो ठीक है, 19 × 18 नहीं होता है तो गलती से बोल दो, ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट, नाउ कम टू थर्ड पार्ट, राइटिंग इज बैड बट इसीलिए दूर दूर लिखा इससे गंदा ना लगे, अच्छा लगे है नहीं अच्छा। देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 240 डिग्री थर्ड पार्ट कह रहा है कि 240 डिग्री कन्वर्ट करो, तो आप वही एंट्री मेथड 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, तो 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 × 240, इसे काटें 6 से काट दो 6 × 24 = 18 तो 4π/3 आंसर टैली कर लीजिएगा। कभी कभी बड़े बड़े लोग छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां भी करते हैं, तो ये उसे सही है तो सुन में आ गई होगी बात। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, इसी में फोर्थ पार्ट में चेंज कर देता हूँ, बस इसी में चेंज कर, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि भाई आपको 520 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो जब 520 डिग्री की बात करेंगे तो पाई बाई 180 को 520 से मल्टीप्लाई करो, कैंसिल हो जाएगा, किससे कटेगा, 26 पाई बाई 9, ठीक। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री मेजरमेंट इनटू रेडियन, ठीक है। इसके बाद रेडियन मेजरमेंट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए जैसे इसको उल्टा कर दो, जैसे आप दुकान पे जाते हैं, आपने कहा भाई 1 किलो चीनी का दाम 10 किलो चीनी का दाम इतना, तो 10 किलो चीनी का दाम निकाल लिया, उल्टा बोल दो कि 500 रुपए की 10 किलो चीनी, 1 रुपए की कितनी चीनी, 300 रुपए की कितनी चीनी, तो उसको उल्टा लिख दीजिए कि पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन हाउ मेनी डिग्री, उल्टा कन्वर्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग रेडियन, मतलब रेडियन मेजरमेंट को डिग्री मेजरमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये बहुत इजी चीज है, इसे बहुत जल्दी हम बता रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, आपको अगर लगे कि कुछ हेल्पफुल आपके लिए वीडियो है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अगर लगे अब जब मैं कर लीजिए तो सब्सक्राइब किया तो क्या नहीं उल्टा आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 11/16 रेडियन, देखो रेडियन का मतलब ये नहीं होता पाई के टर्म में हो तभी रेडियन, हमने आपको बताया था कि जैसे एंगल इज इक्वल टू आर्क पार रेडियस, ये फॉर्मूला इससे निकलता है, एंगल निकालते थीटा इज इक्वल टू आर्क पार रेडियस, अब इससे आंसर पाई के टर्म में नहीं आएगा, लेकिन जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट रेडियन ही होगा, आपको फिजिक्स में कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट पाएगी, तो एंगल की कोई यूनिट नहीं होगी भाई, डिस्टेंस एस बी डिस्टेंस से आर बी डिस्टेंस, एसआई सिस्टम में बात करें दोनों की यूनिट मीटर हो, तो एक्चुअली कोई यूनिट ही नहीं इसकी नहीं होती, लेकिन मीटर अपॉन मीटर कट जाएगा, इसलिए एक सप्लीमेंट्री यूनिट होती है रेडियन, तो इस फॉर्मूले से जो भी आंसर आएगा रेडियन में आएगा, तो रेडियन में वैल्यू देने का कतई मतलब नहीं है कि भाई पाई में ही वैल्यू, विदाउट पाई भी रेडियन हो सकती है, और फिर हमसे कह रहे हो रेडियन में है, हम इसमें कुछ कन्वर्ट कर भी सकते हैं। अब आपसे कह रहे हैं 11/16 रेडियन को कन्वर्ट करना, तो देखिए ध्यान से, हम जानते हैं बीम होता है, बी मतलब हम और तुम दोनों लोग, अब आप भी तो हमको नहीं जानते, आपको आप जनवा रहे हैं कोई बात नहीं, अभी जान जाओगे तो भी हो जाएगा, क्या जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π/degree, तो आपको कहा गया 11/16 रेडियन, तो आप क्या करेंगे
180/π × 11/16 से मल्टीप्लाई कर दो और डिग्री में छोड़ दो, यही आंसर आपका हो जाएगा। नंबर नहीं आएंगे क्योंकि आंसर को डिग्री मिनट सेकंड में करके आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यही मकसद था एग्जामिनर का। देखिए ध्यान से, अब आप करेंगे कि पाई की वैल्यू क्या होगी, 20 को 22 सेकंड ऊपर जाएगा मैथमेटिकली upon 11 upon 16। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है ये डिग्री में वैल्यू आ रही है, अब वो काट पीट करते हैं क्या कर सकता है। 11 से कट जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 90, 2 से कटेगा 45, 2 अट्ठी 16, सिंपली ये आएगा 45 × 7/8। अभी तो कैंसिल नहीं होना है, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करके दिखाएंगे। 45 × 7 कर लेते हैं पहले आप, ठीक है, 45 × 7 तो 7 × 35 आते हैं 3, 7 × 28 3। देखिए हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बताया ना कि बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, 7 × 35 आते हैं 3, 7 × 28 33। तो एक्चुअली क्या लिखा है, 315/8 डिग्री। अब इसको डिग्री मिनट में कन्वर्ट करने का तरीका हमने इसके पहले वीडियो में समझाया है पूरा, लेकिन फिर समझिएगा, इसको सिंपली डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, तो 315 को आप डिवाइड कर दीजिएगा किससे, 8 से। जरा समझने की कोशिश करिएगा, सिंपल डिवीजन होगा, क्या होगा, 8 × 24 8 × 24 आएगा 7 × 5 8 × 7 56 48 3। अब देखिए 39 तो पूरा आ गया, यानी 39 डिग्री तो आपकी वैल्यू आ गई, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 39 डिग्री, ठीक है। लेकिन अभी और वैल्यू नहीं आ रही, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए ध्यान से, ये 3 डिग्री बचा है, क्योंकि डिग्री को डिवाइड करो सिंपली डिग्री में बचेगा, और 3 से 8 डिवाइड नहीं हो सकता 8 से, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 180 मिनट में चेंज हो गया, अभी छोटा हो गया, जैसे कहीं रुपए में डिवाइड कर रहे हो और रुपए बचा कम तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, पैसे में कन्वर्ट करो, अब ये 180 मिनट आ गया। अब 180 काटो कितने बार जाएगा, ये डिग्री हो गया, 8 × 16 8 × 16 2 × 18 20 8 × 16 4 20 यानी कि 22 सेकेंड आ मिनट, सॉरी 30, ये वैल्यू कितनी आई है, 39 डिग्री 22 मिनट। अब यहाँ 4 बचा, अब 4 फिर कटेगा नहीं 8 से, तब क्या करेंगे, इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 240 आ जाएगा, तो 8 × 24 0 0 मिनट, ये आ गया 37। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड कर, अगर ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता ना, इसके बाद इसको डेसिमल में लेके आते, एक डिजिट कम से कम लेके आते, फिर राउंड अप कर देते जो भी वैल्यू उसकी आती। तो दिस इज द वे टू कन्वर्ट डिग्री रेडियन मेथड टू डिग्री मेथड। डिग्री को यहाँ पर आंसर नहीं सोचे, यू हैव टू फाइंड इन द टर्म्स ऑफ डिग्री मिनट सेकंड एवरीथिंग यू हैव टू शो, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया पहला पार्ट, नाउ कम टू द सेकंड, यू नोट डाउन दिस, समझ आ रहा होगा, अगर आपको लगे कि कुछ दिक्कत में है, कुछ दिक्कत आ रही, तो आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में लिख सकते हो और हम उसको दोबारा वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ पर -4 रेडियन, तरीका वही यूनिटरी मेथड पर डिवाइड मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, अब वो तो आती है, तो हमको आता है तो आपको तो आती होगा, ऐसा नहीं। देखिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई देखिए पाई रेडियन, उल्टा लिख रहा हूं क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री -4 रेडियन, तो माइनस से कोई मतलब नहीं है, अब माइनस सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बाहर लिखो 180/π × 4 ये डिग्री आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, माइनस ना डिस्टर्ब करो, माइनस इज आउटसाइड, तो आ गया 180/22/7 × 4, 2 से काट दो तो 4 11 बटेगा नहीं, माइनस 180 × 14 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, बहुत हीरोगिरी नहीं दिखाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मतलब करेंगे, 14 की टेबल हमको भी नहीं है, नहीं याद है लेकिन
सोचते ना, चलो 32 आते हैं, 3 चार एकम 4 3 7 0 8 1 0 2 8 7 15 25 20 ठीक है, 572 आते हैं 7 एंड 5 ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 2520 बटे 11 डिग्री। अब इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं, 2520 को 11 से डिवाइड कर देते हैं, 2520 को 11 से डिवाइड करिए, 11 × 22 = 32, 11 × 22 = 22 1000, 11 × 99 1, तो 229 तो डिग्री आ गया। तो आप कहेंगे भाई ये 229 तो पूरा आ गया, 229 भी ठीक। अब बचा आपका 1 डिग्री, 1 डिग्री 11 से डिवाइडिंग हो सकता है, तो क्या करेंगे इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब 11 से भाग कर दो, 11 × 22 ये डिग्री हो गया, 11 × 25 = 55, 11 × 25 = 55, तो यहाँ पर 5 मिनट आ गया ठीक। यहाँ क्या बचा 5, 11 से डिवाइड होगा 60, तो 30 आ गया, 300 सेकेंड आ गया, 300 सेकेंड को फिर 11 से भाग कर दो, तो 11 × 2 ये मिनट हो गया, 11 × 2 = 22, 8 × 80 11 × 25 = 10, 10 × 77 = 77। अब देखो यहां पर आप सेकंड से नीचे माइक्रो सेकंड नहीं पहुंच सकते ना, तो आप पॉइंट खिला करके यहां पर जीरो खिला करके 11 × 22 = 27.2 सेकंड आएगा। अब चूंकि 0.2 सेकंड है, अगर 0.5 के ऊपर होता तो 1 मान के आप ऐड कर सकते हैं, तो आप केवल 27 सेकंड ठीक है। तो दिस इज द कन्वर्जन, गड़बड़ हो गया भाई, ये क्या है, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 229 डिग्री 5 मिनट, और ये 5 मिनट 11 × 25 = 560, 25 × 30 300, 11 × 22 8 × 80 ठीक हो गया। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ कम टू द थर्ड, मोटा देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा, थर्ड पार्ट कह रहा है कि भाई 5π/3 रेडियन को कन्वर्ट, तो वही चीज 1π रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री, यह है 5π/3, तो 5π/3 रेडियन इज इक्वल टू 180/π × 5π/3, जो भी आएगा डिग्री में पाई से पाई कट गया, 18 60 35 300 डिग्री, बस कन्वर्ट हो गया। अब आप डिवाइड करिए, कैसे डिवाइड करेंगे, तो अपने आप आंसर आ गया। तो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट इसी में लगा देखिए। यहां पर आपका जो कन्वर्जन करना है वो करना है 7π/6, तो 7π/6 रेडियन को जब कन्वर्ट करोगे क्या करोगे, 180/π × 7π/6 कन्वर्ट टाइम होगा डिग्री में, पाई से पाई कट गया, 6×18 हो गया, 7×10, तो दिस इज द वे टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री ठीक है। ये बहुत आगे भी क्लासेस में यूज कर किया जाएगा, ध्यान से पढ़िए ठीक है। अब जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले हैं, समझने की कोशिश करें ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन नंबर है थर्ड, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, एक व्हील है 1 मिनट में 360 बार रिवॉल्व करता है, 360 बार रिवॉल्व करता है, देन हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अब जरा ध्यान से समझिएगा, पहले वह तो 1 सेकेंड में कितनी बार रिवॉल्व करेगा ये बताना पड़ेगा,
तो आप देख रहे हैं कि एक मिनट यानी 60 सेकंड में, इन 60 सेकंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो कर रहा है, रेवोल्यूशन इसकी बात चक्कर लगा रहा है, वह है 360। और इन वन सेकंड कितने होंगे रेवोल्यूशन, तो आप कहेंगे 360 बटे 66 ये बन गया 6 रेवोल्यूशन, यानी एक सेकंड को 6 बार घूम रहा है। अब बताइए एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन से घूमता है, लिखा ना हाउ मेनी रेडियंस डज इट। ध्यान आप करिए, हमने बताया था कि ये पूरा जो एंगल होता है ना, ये पूरा एंगल, ये पूरा जो होता है वो 2π रेडियन याद करिए, पहले वीडियो में समझाया। तो एक रेवोल्यूशन में 2π, एक तो 360 डिग्री है ना, तो 360 डिग्री को पाई से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 180 से डिवाइड करो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मान लिया रेडियन में आपको नहीं समझ आ रहा है, तो ये तो आप जानते रहे कि पूरा एंगल 360 डिग्री का है, तो 360 को पाई से मल्टीप्लाई करो, 180 से डिवाइड करो, इट विल कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो 180 टू 360 यानी कि एक रेवोल्यूशन में वो 2π रेडियन से घूमता है, रेडियन से, डिग्री बोलेंगे तो 360। तो आप लिखेंगे इन वन रेवोल्यूशन, इन वन रेवोल्यूशन इट रिवॉल्व पाई 2π रेडियन, कितने से रेडियन, तो इन हाउ मेनी रेवोल्यूशन, 6 रेवोल्यूशन, इट विल रिवॉल्व बाय 2π × 6 यानी कि 12π रेडियन से घूमता है। अब अगर आप डिग्री बोलते हैं तो पाई रेडियन 360 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द 4th, समझने की कोशिश करिएगा, टफ नहीं है, टेक्निकल चीज तो है ही है। हाँ, तो आप आरडी वाडी समास लगाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा पड़ेंगे, मैं उसके लिए वीडियो पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है। 4th कह रहा है, देखो भैया, कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, ये एक सर्कल है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, अपने आप क्वेश्चन बोलता है। यदि एक सर्कल है जिसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर, मैंने इस रेडियस को आर मान, तो आप क्वेश्चन को पहले पूरा मत पढ़ा करिए, नहीं वैसे तो कहा था पूरा पढ़िए, बहुत बार समझिए, आप क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले होता है जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, क्वेश्चन ऐसे देखता आपको, बेटा फंसे हो, डर गया, डरिए नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़िए और ये देखिए कि दे क्या रहा है, पूछ क्या रहा बात, वो तो बात की बात है। जितने उन्होंने कहा भैया जो रेडियस है ना वो 100 सेंटीमीटर लिख दिया आपने, और कहते हैं कि जो आर्क है, एक आर्क है इसका, इसको आप एस मान सकते, इस आर्क की जो लेंथ है ना वो 22 सेंटीमीटर, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये जो आर्क है वो कितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, ये निकालना है डिग्री में। तो आप जानते हैं एंगल इज इक्वल टू क्या बताया था, आर्क पान रेडियस, आर्क बोले तो 22, रेडियस बोले तो 100, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। इस फार्मूले से जो भी एंगल आएगा दैट विल बी इन रेडियन, वो रेडियन में ही होगा। आपको अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 से डिवाइड करना उल्टा बोलते, रेडियन में तो नहीं है, उल्टा बोलते, इसको आप क्या करेंगे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से डिवाइड करेंगे, तो काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 22 by 100 × 180 by 22 by 7। अब इसको आपको डिग्री में बटाना पड़ेगा, 20 से 22 बढ़ गया, 1 से 1 कट गया, 2 × 18 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया, क्योंकि हमने बताया था कि डिग्री मिनट में आपको लिखना पड़ेगा, तो सिंपल ऐसे काम नहीं चलेगा, इसलिए इसको थोड़ा कैलकुलेट करें, 963/5 डिग्री। अब 63/5 डिग्री को डिग्री मिनट में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ, 63 को इसे डिवाइड करूंगा 5 से, कितना आएगा, 5 × 1 = 13, 5 × 10 = 3, ये आपका आ गया, देखिए 63/5 डिग्री था, अब इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 × 1 = 13, 5 × 10 = 3, अब 3 बचेगा ना, अब 3 डिग्री को कैसे जो है डिवाइड करें 5 से,
तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो 180 मिनट में कन्वर्ट हो गया, और इसको आपने कन्वर्ट कर लिया तो अपने आप ही आ जाएगा, तो 5×30 कर जाएगा सीधा कन्वर्ट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 क्या कह रहा है आपसे, जैसा आपने कहा कि पहले आप ध्यान से पढ़िए और ये लिखिए क्या गिवन है, निकालना क्या बात की बात है, निकालना बाद में लिखोगे फिर आप दिमाग लगाओगे कि दिस फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई। 5 कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, देखो डायमीटर की बात कर, तो जब भी डायमीटर आए उसको डी मत लिखा, कंफ्यूजन होता है, आप डायमीटर को लिखते 2R, रेडियस का डबल होता है 40 सेंटीमीटर, यहां से रेडियस निकाल सकते हैं आप 20 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं कि लेंथ आप कॉर्ड, एक कॉर्ड दी है, कॉर्ड कॉर्ड की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, तो पूछ ये रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, जरा डायग्राम बनाते हैं, देखिए ये आपका है एक सर्कल, ठीक है, ये आपकी है कॉर्ड, ये ए बी कॉर्ड है, मैंने इस कॉर्ड का नाम दे दिया है ए बी, और ये है सेंटर, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये माइनर आर्क है, इसकी लंबाई निकालनी, मैंने लंबाई मान ली एस, ठीक है, तो आर्क की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क पर रेडियस, तो उसके लिए एंगल मालूम होना चाहिए ना। अगर ध्यान से देखिए आर भी 20 है, कॉर्ड भी, तो एंगल थीटा कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल, तो यहां पर जो थीटा होगा ना वो 60 डिग्री होगा, और एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से ये आर्क निकाला जा सकता है, लेकिन शर्त एक है कि जो एंगल होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे 60 को पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 180 से डिवाइड कर दो, काहे में हो जाए कन्वर्ट रेडियन में, 36/18 यानी ये पाई बाई 3 रेडियन हो गया। अब आप फॉर्मूला लगा दो, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर्क पार्ट रेडियस, तो थीटा इज व्हाट पाई बाई 3, एस निकालना है रेडियस है 20, तो एस निकालेंगे ना तो 20 अपॉन 3 पाई, अब पाई मान पाई के साथ कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो अपने आप, अच्छा इसको आप डिग्री मिनट मत कर लेना भैया, ये लेंथ है इसकी कब सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर ये है कौन सा 5, तो इसको आप पाई का मान ना भी लिखोगे तब भी आंसर आ रहा, शायद आपका पाई के टर्म में भी आ, ये जो आंसर आ रहा ना वो 20 पाई बाई 3 ही आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पाई का मान रखेंगे 22/17, ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि इन द टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। देखो दो सर्कल है और दो सर्कल की आर्क जो है ना, आर्क की जो लंबाई S1 और S2 सेम है, इसको हम मान लेते हैं S लेंथ, लेंथ माने माना सेम, दो सर्कल की आर्क लेंथ सेम है, मतलब ये समझ लीजिए ऐसे दो सर्कल है, छोटा एक बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक ये आर्क है इसकी लंबाई S1 है, एक ये आर्क है इसकी लंबाई S2 है, तो सेम है, तो भी दिया हुआ है, ये आर्क अपने सेंटर पे भी बनाता है, ये आर्क अपने सेंटर पे भी बनाता है, तो कह रहे जो एंगल सेप्रेट कर रहा है वो 60 डिग्री और 75 डिग्री, तो जो थीटा 1 है वो 60 डिग्री है, यानी 60 × π/180 रेडियन, जानबूझ के कैंसिल नहीं करूंगा, और थीटा 2 है 75 डिग्री इज इक्वल टू 75 × π/180 रेडियन, जरूरत पड़ेगी सब कैंसिल करेंगे, अभी नहीं करेंगे, तो कह ये रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियस, ये जो रेडियस है इसकी, अगर इसकी रेडियस में R1 मान लेता हूँ, इसकी मैं R2 मान लेता हूँ, तो आपसे कह रहा है कि R1:R2 क्या होगा, ये आपसे कह रहा है, जरा देखिए ध्यान से इसमें यूज क्या करें, देखो सिंपल सी बात है, बात आर्क की कर रहे हैं, बात रेडियस की कर रहे हैं, बात एंगल की कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है आर्क
रेडियस और ये एंगल, एक रिलेशन होता है एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। तो थीटा वन इज इक्वल टू क्या होगा, एस वन अपॉन आर वन। तो यहां से आर वन निकाल देते, आर वन क्या निकलेगा, आर वन इधर तो आएगा एस वन अपॉन थीटा वन, और एस वन को लिखेंगे एस अपॉन थीटा वन, ठीक है। एंड थीटा टू एंगल इज इक्वल टू क्या हुआ, आर एस टू अपॉन आर टू, और यहां से आर टू क्या निकलेगा, एस टू अपॉन थीटा टू इज इक्वल टू एस अपॉन थीटा। अब आपको दोनों का रेशियो निकालना है तो उनको डिवाइड कर दो, कई तरीके हो सकते हैं, आप थीटा वन अपॉन थीटा टू करके भी निकाल सकते हैं, मैथमेटिक्स से कहीं से भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए नाउ आर वन अपॉन आर टू निकालते हैं, जरा मैथमेटिक्स लगाते हैं, देखो एस अपॉन थीटा वन इंटू एस अपॉन थीटा टू, एस एस कट गया, थीटा टू का मान क्या है 75 इंटू पाई अपॉन 180, और इसका क्या होगा 60 पाई अपॉन 180, तो पाई से पाई कट गया, फिर 180 से 180 कट गया, और 15 चौकू 60, 15 75। तो अगर कहा जाए रेशियो आपका रेडियाई क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे 5:2, सिंपली मैथमेटिक्स से लगा लीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। सेवन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कह क्या रहा है ध्यान समझिएगा, कह रहा फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। जरा समझिएगा, पहला पार्ट ये कह रहे हैं कि एक पेंडुलम है वो ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है, तो ये आर्क ये लेंथ है, अब स्विंग करेगा एक आर्क टाइप का बनाएगा, तो आर्क जब 10 सेंटीमीटर बनाए तब, 15 बनाए तब, 70 और 21 बनाए तब, तीनों केसेस में आपको एंगल निकालना है इन रेडियन, और वैसे भी इस फॉर्मूले से जो भी एंगल निकालना है वो रेडियन ही निकालना है। देखिए पहले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो रेडियस है ना भाई, जो लेंथ ही है ना, तो रेडियस ही होगी यार, रेडियस जो है वो 75 सेंटीमीटर है और आर की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, एस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और एंगल आपको निकालना है, तो एंगल जीरो क्या होता है, आर अपॉन रेडियस यानी 75 अपॉन 10, 5 × 10, 5 × 5, 2 × 5 = 25, 15/2 रेडियन। देखो हमने बताया था कि रेडियन का मतलब ये नहीं कि पाई में ही आंसर आएगा, इस फार्मूले से जो भी एंगल मिलना है वो उसका यूनिट रेडियन होगा, ठीक है, आर अपॉन रेडियस। अच्छा आर सॉरी क्या होगा, आर उल्टा दिया है, आर का आपका 10 है, रेडियस आपका 75, ये उल्टा हो जाएगा 2/15 है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि भाई आपका जो आर है ना वो है आपका 15 सेंटीमीटर, तो एंगल क्या होगा, आर अपॉन रेडियस मतलब 1/5 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट जो थीटा है ना वो निकालना है, वो आर दिया 21, 3 × 5 = 25, 3 × 3 = 15, 7/23।